19 अगस्त 2022 ये दिन हम सब लोगों के लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि इस दिन हम लोगों ने कृष्णा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और ये बात पूरे वर्ल्ड को पता था कि इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हमारे गॉड कृष्ण हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स कंपनी की, शॉर्ट फॉर्म में समझिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, एक्जॉटिक इंडिया एक्सेट्रा। ये सारी कंपनी हमारे जरूरत के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर करती हैं, वो भी घर तक। अमेजोन ने इन सब चीजों को समझते हुए भी एक पेंटिंग सेल करने की कोशिश की जन्माष्टमी को, लेकिन उस पेंटिंग के इमोशंस तो कुछ अलग ही थे, वो पेंटिंग मैं आपको दिखा नहीं सकता। बट आप गूगल पे जाके बॉयकॉट अमेजोन कृष्ण गॉड सर्च करके उस पेंटिंग को देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देख कर जाए क्योंकि मैं अभी आपको और भी चीजें दिखाने वाला हूँ। इनफैक्ट आपको कई सारी चीजें हमारे धर्म को हर्ट करती हुई मिलेंगी, जैसे कि आप ये पेंटिंग देखिए जिसमें टॉयलेट सीट के ऊपर गणेश भगवान को रखा गया है, और एक और प्रोडक्ट जिसमें टॉयलेट सीट के ऊपर शिव भगवान को रखा गया है, और ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट जिसमें शिव जी को और गणेश भगवान जी को कारपेट्स में प्रिंट किया गया है। चलिए ये सारी चीजें तो घर पे रहती हैं, लेकिन एक बार ये वाला प्रोडक्ट देखिए जिसमें शिव जी को शूज के ऊपर प्रिंट करके दिया गया है। इन सब चीजों से एक बात तो पक्की है कि अमेजोन ने सीधा सीधा हमारे धर्म का मजाक बनाया है। अभी ये तो पता है कि अमेजोन इन चीजों को सेल करता है, लेकिन अमेजोन इन चीजों को बनाता नहीं है, असल में इन चीजों को बनाने वाले इंडियंस ही हैं। इन पेंटिंग्स के बगल में जो आप ये ब्रांड नेम देख रहे हैं, ये सब के सब इंडियंस ही हैं। ये ब्रांड प्रोडक्ट को बना के अमेजोन को सेल करते हैं और फिर अमेजोन हमें ही सेल करता है। इसके बावजूद कई लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदते भी हैं, क्योंकि अमेजोन ने ये पहली बार नहीं किया है। पहले भी 2011 में शूज पे प्रिंट हुए भगवान को अमेजोन पर सेल करने की कोशिश की, 2017 में डोरमैट्स, 2020 में ये, और फिर 2021 में ये भी, और 2022 में तो इन्होंने हद ही कर दी। इसलिए इन प्रोडक्ट्स को देखकर अमेजोन को यूज करना बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप कोई दूसरा ऐप यूज कर सकते हैं। मैं आपको अमेजोन बॉयकॉट करने को नहीं कह रहा, बट जब तक अमेजोन इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, गलती माफी नहीं मांग रहा है, तब तक अमेजोन को यूज करना प्लीज बंद कर दीजिए। इसलिए प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि जिस अमेजोन पे वो भरोसा करते हैं वो अमेजोन कैसे उनके धर्म का मजाक बना रहा है। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको अमेजोन के बारे में क्या लगता है।